नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। आज बात कोरोना वायरस की। मैं आपको बताऊं, रीवा में कोरोना के इस समय 16 पेशेंट हैं, 16 पॉजिटिव पेशेंट, जिनका इलाज रीवा के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में किया जा रहा है। कल बीती रात रीवा के कटरा मोहल्ले में, जो कि रीवा का सबसे घनी आबादी वाला मोहल्ला माना जाता, वहाँ एक महिला क्वारंटाइन हुई है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि वह इलाज के लिए कमर की हड्डी टूटने की वजह से अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उसके सर्दी जुकाम होने की वजह से जब उसका टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उसके परिवार के 5 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। फिलहाल उनकी जाँच के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। उस पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। हम आपको वह जगह भी दिखाएंगे, वहाँ के लोगों से बात भी करेंगे। फिलहाल आप बात रीवा शहर के सबसे बड़े शिल्पी चौराहे पर, जैसा कि आप रीवा शहर के सबसे बड़े बाजार में इस समय आप मौजूद हैं, आप अपने यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर कोरोना को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर चहलकदमी नहीं है, ना किसी को इस बात की फिक्र है कि यहाँ पर कोरोना फैला हुआ है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस समय यहाँ पर कुछ लोग निकल भी रहे हैं, उनके किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, मास्क नहीं, उनको लगता है कि उनको कोरोना होगा ही नहीं। इसको कहा जा सकता है कोरोना को लेकर यहाँ के लोगों की लापरवाही। यहाँ के लोग यह मान चुके हैं कि उनको कोरोना, जैसा कि अगर पूरे देश की बात की जाए तो इस समय लगभग 5,30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कोरोना से संक्रमित पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पेशेंट, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं दिख रहा है कि 5.5 लाख पेशेंटों की और हम बढ़ रहे हैं। उसी तरीके की लापरवाही यह साबित करती है कि कोरोना यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं आएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे कटरा मोहल्ले में और वहाँ पर दिखाते हैं इस समय वहाँ प्रशासन किस तरीके की तैयारी कर रहा है। प्रशासन वहाँ पर सील करने के लिए, उस एरिए को सील करने के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहा है। वहाँ पर जो भी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के कटरा मोहल्ले में। यहाँ पर कल रात को एक कोरोना पेशेंट पाया गया। कोरोना पेशेंट पाने के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस एरिए को सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हमारे साथ इस समय पूरा यहाँ पर प्रशासनिक अमला मौजूद है। हम उन तमाम लोगों से बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, डॉक्टर हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी, मैं सबसे बात करूँगा और जानूँगा किस तरीके की तैयारी। सर, किस तरीके की तैयारी अब आप लोग करने जा रहे हैं? हमने जो पॉजिटिव पाया गया है मरीज, उसका घर चिन्हित कर लिया है, उसके परिवार को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसकी ट्रेवल हिस्ट्री आज पूरी पता कर रहे हैं और उस मोहल्ले में जो गलियाँ हैं उनको सीज कर रहे हैं। जिस तरीके से गलियां सीज हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, पुलिस प्रशासन यहां पर किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम करने जा रहा है? सुरक्षा पूरी प्रशासन की ओर से ही है, पुलिस भी अपना सहयोग दे रही है। तो हम लोग तो शुरू से ही इसमें लगे हुए हैं। यहां कंटेनमेंट एरिया जो बनाया गया है उसके अंदर की सभी दुकानों को बंद कराया जा रहा है अग्रिम आदेश तक के लिए। लोगों को समझाइश दी जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है कि लोग घर से बाहर ना निकलें, अपना और अपना परिवार सुरक्षित रखें। अपना और अपना परिवार सुरक्षित रखें, सबसे जरूरत आज की तारीख में। हमारे साथ यहाँ स्वास्थ्य अमले के एक जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार कोरोना वायरस के लिए काम किया है। अब यहाँ पर जिस तरीके से शहर में पहली बार एक पेशेंट पाया गया, तो क्या लगता है आपको किस तरीके का? आपको शहर में पेशेंट केसेस तो पहले भी मिले थे, मगर ये एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और ये पहली बार है कि केस सीधा क्षेत्र से मिला है और हमें अब आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। हमारी सर्वे टीम, हम आज शाम तक डिसाइड हो जाएंगे, वो पूरे क्षेत्र का सर्वे करेंगे और इस तरह के केसेस अगर मिलते हैं तो उन सबको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सस्पेक्टेड को हम लोग पीटीएस में या अपने क्वारंटाइन क्षेत्र में रखेंगे और उनका सैंपलिंग करेंगे। अगर केसेस और निकलते हैं तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से साफ तौर से यहाँ पर लोग बता रहे थे कि अगर यहाँ किसी भी तरीके की आगे ज़रूरत पड़ी तो हम वो एहतियात उठाएंगे, वो ज़रूरी कदम उठाएंगे जिससे यहाँ के लोगों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्रायोरिटी, प्रशासन का साफ तौर से कहना हमारे लिए प्रशासन पहली प्रायोरिटी यहाँ पर लोगों की सुरक्षा ही है। निश्चित रूप से एक ज़रूरी चीज़ है, सुरक्षा यहाँ पर अगर होगी,
लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। अब 14 दिन इस एरिए के लोगों को अपने घर पर रहना पड़ेगा। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ।